बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट इलाके से है, जहां अब भी सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। बंगाल हिंसा से जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। तनाव लगातार बरकरार है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में हालात इस वक्त भी तनावपूर्ण हैं। हालात को काबू करने की कोशिशें पुलिस की ओर से की जा रही हैं। सुरक्षा बलों के सामने ही आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग। सड़क पर आगजनी और तोड़फोड़, हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, ये कहा है बीजेपी ने। आपको बता दें, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगहों से झड़प की खबरें सामने आई हैं। 3 सदस्यों की कमेटी भेजेंगे हम पश्चिम बंगाल, ये कहा है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने फेसबुक पोस्ट के बाद। सांप्रदायिक तनाव वहां पर हुआ था, जिसके बाद हालात लगातार बिगड़ते हुए चले गए। उसके बाद हमने देखा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के कई इलाके जो अब भी सुलग रहे हैं। बीएसएफ की टुकड़ियों की तैनाती के बावजूद कल उपद्रवियों ने बशीरहाट के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की। फिलहाल सुरक्षा बल हिंसाग्रस्त इलाके में गश्त लगा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार करके वहीं जेल भेज दिया है, जिसके आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद परसों से इलाके में सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बशीरहाट के हिंसा में उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पूरे मामले की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 सदस्यों की टीम बशीरहाट भेजने का फैसला किया है। अत्याचार हुआ और पुलिस खड़ा होकर सारे अत्याचार को देखा, घर जला दिया, घर लूट कर दिया। एक कार्यकर्ता कार्तिक घोष हमारा, उसका आज मौत हो गया। तो ये सारे जो कारनामा है, ये सब हमारा जो एमपी टीम है वो टीम देखेंगे, और हमारा पार्टी अध्यक्ष जी का पास सारे रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बशीरहाट इलाके में एक धर्म विशेष के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट के बाद परसों से सांप्रदायिक हिंसा वहां पर हो रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बशीरहाट में तनाव है। एक तरफ जहां सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के बावजूद भी उपद्रवी मानने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जिसने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, उस शख्स को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस हालात पर काबू पाने में बशीरहाट में पूरी तरह से अब तक नाकाम साबित हो रही है। इन सब के बीच हिंसा पर राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जगह जगह आपस में ही उलझ रहे हैं, और बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि इस हिंसा में उसके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। 3 सदस्यीय एक दल पश्चिम बंगाल जाएगा और पूरे मामले की जांच करेगा, ये कहा है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने। बीएसएफ की टुकड़ियों की तैनाती के बावजूद तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल उपद्रवियों ने बशीरहाट के कई इलाकों में आगजनी तोड़फोड़ की थी। फिलहाल सुरक्षा बल हिंसाग्रस्त इलाके में गश्त लगा रहे हैं। पुलिस ने वहीं उस लड़के की गिरफ्तारी करके उसे जेल भेजा है, जिसके आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के बाद से इलाके में सांप्रदायिक तनाव हुआ। इस बीच बीजेपी का आरोप कि बशीरहाट में हिंसा में उसके कार्यकर्ता की मौत हो गई है, और इसी वजह से पूरे मामले की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 सदस्यों की टीम बशीरहाट भेजने का फैसला किया है। प्रकाश सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, सबसे पहले ये बताइए हालात कैसे हैं? देखिए चित्रा, लगातार 5वें दिन तनाव बरकरार है। हम देख सकते हैं उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट, बादुड़िया, बेगंगा लगभग जो इलाके हैं, यहाँ तनाव 5वें दिन भी बरकरार है। दुकानें जो हैं बंद हैं, गाड़ियां जो हैं नहीं चल रही हैं। बीएसएफ के जवानों को हम देख सकते हैं लगातार इलाके में गश्त लगा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है मौके पर तैनात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीते कल यानी कि गुरुवार की दोपहर के बाद से रुक रुक कर हिंसा हो रही है। पुलिस पर पथराव किया गया, बीएसएफ के जवानों पर पथराव किया गया, बम फोड़े गए। दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई के तहत पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस छोड़ा गया। लेकिन कुल मिलाकर हम देख सकते हैं हिंसा जो है लगातार, जो 5 दिनों से हिंसा चल रही है, दो समुदायों के बीच जो झड़पें हो रही हैं वो कुछ देर के लिए रुकी थी कल, लेकिन उसके बाद से कल दोपहर के बाद से लगातार हिंसा जारी है। और स्थिति पर काबू पाने के लिए बीएसएफ के जवान जो है लगातार गश्त लगा रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बीती रात भी कई जगहों पर हिंसा हुई है, जिसके बाद से इलाके में अभी भी हम देख सकते हैं तनाव बरकरार है।
चित्रा। गृह मंत्रालय की ओर से ममता सरकार से इस पूरे मामले में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन रिपोर्ट भेजा नहीं गया, इसके पीछे की वजह क्या है प्रकाश? देखिए, आप साफ तौर पर देख सकती है कि जिस तरह से एक आपसी लड़ाई चल रही है, बयानबाजी हो रही है, पूरा मामला जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया है। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल के खिलाफ बयान दे रही है, वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो ऐसे में एक ईगो फाइट कहीं ना कहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी लगातार बयान दे रही है कि इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी कहाँ थे, बीजेपी के लोग मॉब को उकसा रहे हैं। वहीं आपने जैसा कहा कि रिपोर्ट मांगा गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजा गया है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं ये जो हिंसा हो रही है या ये जो वाकया हुआ उसके बाद से अब पूरा राजनीतिकरण हो गया है और तृणमूल बनाम भाजपा पूरा मामला ये दोनों पार्टियों की आपसी लड़ाई में बदलता दिख रहा है। और यही सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, जहां पर हिंसा हो रही है वहां राजनीति चरम पर है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हालात को काबू करने की कोशिशें अब तक उस तरह से नहीं की गई। शायद यही वजह है कि आप देखिए भारी तादाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद वहां पर हालात बेकाबू हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। दर्शा रहे हैं दो समुदाय के बीच जो बवाल हुआ है, यहाँ पे जो झगड़ा हुआ है उसका सीधा असर हम देख सकते हैं बसीरहाट की सड़कों पर देखा जा सकता है। यहाँ महिलाएं जो हैं वो अपने हाथ में लाठी लेकर, बांस लेकर, ये लेकर निकले हैं और हर किसी का आरोप है कि पुलिस जो है वो अत्याचार कर रही है। पुलिस जो है घर घर में जाकर पुलिस ने तोड़फोड़ किया है। हम देख सकते हैं बसीरहाट की सड़कों पर हर जगह हर 50 मिनट पर इसी तरह से आग जला दिया गया है और हम देख सकते हैं सामने जो है 50 मीटर दूरी पे पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस जो है वो रुकी हुई है, पुलिस वहां से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस तरफ से लोग जो है वो पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस को जो है वो हंगामा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं उस तरफ से लेकिन यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और जो है आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। आंसू गैस के हम देख सकते हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सोए जा हम देख सकते हैं पुलिस के जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और भीड़ को तितर बितर है सोए जा तितर बितर करने के लिए पत्थर मारा जा रहा है। दूसरी तरफ से जो लोग हैं, जो भीड़ है, वो जो है वो पत्थर मार रही है, पुलिस को लक्ष्य करके पत्थर मार रही है और हम बीच में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं काफ़ी भयावह सिचुएशन है बशीरहाट की सड़क पर इस वक्त, लेकिन हम देख सकते हैं आग जल रहा है। एक तरफ से पुलिस जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, दूसरी तरफ से लोग जो हैं हम देख सकते हैं। कैमरामैन शुभजीत के साथ प्रकाश सिन्हा, एबीपी न्यूज़ बशीरहाट। जिस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है उन सब के बीच रिपोर्टिंग करना इतनी आसान नहीं होता। प्रकाश सिन्हा हमारे संवाददाता की वहां पर मौजूदगी थी और वो तस्वीरें उन्होंने दिखाने की कोशिश की हैं। सुरक्षा बलों की भारी तादाद में वहां पर उपस्थिति के बावजूद आपने देखा भीड़ की ओर से किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है और हालात लगातार बेकाबू होते हुए चले जा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।